गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 1 to 50 तक यानी 1 से लेकर 50 तक हम फॉरवर्ड काउंटिंग भी कर चुके हैं और बैकवर्ड काउंटिंग भी कर चुके हैं, ठीक है। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मैं आपको करवाऊंगी 70 से पीछे पीछे, ठीक है। 70 से ये 51 तक आपको मैं बैकवर्ड काउंटिंग करवाऊंगी, ठीक है। पहले इंग्लिश में 70 70, 69 69, 68 68, 67 67, 66 66, 65 65, 64 64, 63 63, 62 62, 61 61, 60 60, 59 59, 58 58, 57 57, 56 56, 55 55, 54 54, 53 53, 52 52, 51 51, ठीक है। अब इसको हिंदी में भी करते हैं। 70 70, 69 69, 68 68 68 68, ठीक है। 67 67, 66 66, 65 65, 64 64, ठीक है। अब कैसे, आपको मैंने बताया भी था, आपने कैसे याद रखना है, जैसे 64 तो 64 का मतलब 6 वाली लाइन है, ठीक है ना, 64, क्योंकि 60 से आगे बढ़ते हैं हम, और च की आवाज़ आ रही है मतलब 4 वाली आवाज़ आ रही है, तो ऐसे आपने थोड़ा रिकॉग्नाइज करना है। तो 6 4 64, जब आप ध्यान से सुनेंगे तो फिर कोई मुश्किल नहीं आएगी, बट अगर आप सुनेंगे नहीं तो नहीं आपको पता चलेगा, ठीक है। 6 3 63, 6 2 62, 6 1 61, 6 0 60, 5 9 59, 5 8 58, 5 7 57, 5 6 56, 5 5 55, 5 4 54, 5 3 53, 5 2 52, 5 1 51, ठीक है, और 5 2 50 तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है ये 70 से भी बैकवर्ड काउंटिंग को, मतलब आप फॉरवर्ड काउंटिंग 1 to 70 तक फॉरवर्ड काउंटिंग भी रिवाइज करना एक बार, और 70 से पीछे पीछे आप एक बार बैकवर्ड काउंटिंग भी रिवाइज कर लेना, ठीक है। जितना ज़्यादा बार बार आप बोलेंगे ना, मिरर के आगे खड़े हो के ना आप रिवाइज करना, फिर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।